नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, स्वागत है आप सभी का चाय विद अखबार शो में। दोस्तों, आज की तारीख 22 दिसंबर है और दिन है मंगलवार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रीय खबरों में शुरुआत करते हैं यशोभूमि पेपर से। भारत में ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध, कोरोना का खौफ और बड़ा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उसके कारण वहाँ से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स है उसका, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोगों का कोरोना टेस्टिंग किया जा रहा है, वो लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वहाँ से आने वाली फ्लाइट्स को बंद कर दिया है और इवन यहाँ से वहाँ जाने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, ताकि वो जो कोरोना का प्रकोप है वो यहाँ पर फिर से ना बढ़े। बढ़ते अगली राष्ट्रीय खबर और अगले अखबार की तरफ, ये है नवभारत टाइम्स अखबार। नवभारत टाइम्स में केंद्र सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी तो नहीं आया। किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार से जो प्रस्ताव आया है उसमें नया कुछ भी नहीं लिखा है। किसान जो 22-23 दिन से इस पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आमरण उपोषण भी किया है, मगर केंद्र सरकार से जो प्रस्ताव आया है उनका कहना है कि उसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है। अगर सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है तो हम हर वक्त तैयार है, ऐसा किसानों का कहना है। और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई न्याय निकले, उन लोग को जल्द से जल्द उनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र के लिए क्या मुख्य खबरें प्रिंट हुई है। ऑटो टैक्सी के लिए देना पड़ सकता है ज्यादा किराया। जो ऑटो टैक्सी जो मुंबई में चलती है उसके लिए अब आपको देना पड़ेगा ज्यादा किराया, ऐसा निर्णय आ सकता है। अभी फिलहाल कोरोना के वजह से ऑटो का फेयर जो 10 था उसको 20 कर दिया है, ऐसी संभावना है कि वो फेयर और बढ़ सकता है। इससे लोगों को काफी दिक्कत होगी, मगर अब देखना है कि क्या सच में ऑटो का फेयर बढ़ता है या कम होता है। बढ़ते हैं अगली अखबार की ओर, जो है महाराष्ट्र टाइम्स। महाराष्ट्र टाइम्स में क्रिसमस की गाइडलाइंस के रिलेटेड एक खबर है। नाताळासाठी नवीन नियमावली नाही, मतलब अभी क्रिसमस जल्दी है, दो चार दिन पर क्रिसमस फेस्टिवल आ गया है। जैसे दिवाली के लिए कुछ जो गाइडलाइंस सरकार ने निकाली थी, फिर नवरात्रि के लिए गाइडलाइंस थी, देश में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस आ रही है, तो वहीं नाताल के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो नई गाइडलाइंस नहीं है, जैसे कि जो गाइडलाइंस थी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, ये गाइडलाइंस तो रहेंगी, लेकिन नई गाइडलाइंस कोई भी नहीं आई है। यही गाइडलाइंस के साथ सरकार की एक मांग है कि क्रिसमस जो है और न्यू ईयर वो लोग अपने घर पर ही मनाएं, अगर बाहर भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, ताकि कोरोना का प्रकोप जो कम हुआ है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। बढ़ते हैं अगली अखबार की तरफ, जो है नवभारत। नवभारत में एक आर्टिकल है, महाराष्ट्र में फिर नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लग सकता है फिर से नाइट कर्फ्यू। 22 दिसंबर यानी आज से फिर से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। नए 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का समय जो है वो रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा। शायद 31 का जो प्रस्ताव रखा गया था कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो ये कन्फर्म हो गया है कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो वही आगे, टेस्टिंग के लिए 40 डॉक्टरों को ट्रेनिंग। मुंबई मनपा की तैयारी जोरों शोरों पर। मुंबई मनपा जो है वैक्सीन जो बनने की तैयारी में है, जो थर्ड ट्रायल तक पहुंच गई है, उसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाती है तो वो लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उनको कैसे देनी है, ये सब ट्रेनिंग मनपा ने अभी से 40 डॉक्टरों को देने की शुरुआत कर दी है। कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो लोगों की इतना चिंता करती है और जल्द से जल्द वो प्रयास कर रही है कि जल्दी जितने जल्दी वैक्सीन आ जाए वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच पाए। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं वसई विरार नाला सुपर की कुछ मुख्य खबरों के और। महाराष्ट्र टाइम्स में एक वसई से रिलेटेड आर्टिकल है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताती हूँ।
वसई तालुका केरोसिन मुक्ति कड़े मतलब वसई में वसई के जो ग्रामीण गांव है वहां पर अभी सभी लोग गैस का उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण केरोसिन की जो मांग थी ग्रामीण साइड में वो कम होते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वसई तालुका केरोसिन मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। तो वही आगे यशोभूमि में एक वसई से रिलेटेड आर्टिकल है, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, एक व्यक्ति गिरफ्तार। वसई विरार नाला सोपारा जो हर बार क्राइम रेट में आगे ही रहा है, हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम होती ही रहता है, वैसे ही क्राइम फिर से वसई में हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में एक बार फिर 4 साल की एक बच्ची बेहोशी के हालत में पाई गई। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। एक 4 साल की बच्ची गोनी के अंदर बेहोशी में मिली है। उसके सिलसिले में एक व्यक्ति को वालियो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह है कि आखिर कब वसई विरार नाला सोपारा क्राइम रेट से मुक्त होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।